वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ऐसा बात बोलते हैं खान सर कि हम लोग रिलेट कर पाते हैं। हाँ, एकदम जैसे फैमिली से हम लोग भी रिलेट कर पाते हैं इन सब चीजों के कि हाँ यार, बचपन में ये होता था कि अगर कहीं लड़ाई हो रही है, ऐसा मोमेंट चल रहा है और कहीं गलती से हम लोग आगे कुछ मांगने कुछ करने तो अलग से पिटाई शुरू की, तुमको अभी सब चाहिए होता है ये वो, मतलब क्या ही बताया जाए यार, मजा आ गया। मतलब बहुत पुरानी चीजें ताजे हो गई यार, ताजा हो गई। और भाई देखिए, अगर बात की जाए इसराइल की, भाई नो डाउट यार इसराइल वो टूरिस्ट के लिए फेमस है। बैंकॉक पटाया फुकेट, बैंकॉक पटाया फुकेट। यहाँ पर इंडियन सब के लिए वीजा ऑन अराइवल भी अवेलेबल है, समझ में गया, वीजा ऑन अराइवल। वियतनाम में भी वीजा ऑन अराइवल है। देखिए, आप किसी भी देश से बिना अनुमति वहाँ इंट्री नहीं कर सकते, तो आपको इंट्री लेने से पहले 15-20 दिन पहले ऑनलाइन जाके वीजा अप्लाई करना पड़ता है कि आप अपना नाम बताएंगे, सारा डिटेल भरिएगा, आधार कार्ड ये सब भरिएगा। उसके बाद पूछेगा क्या करने के लिए आ रहे हैं, तो बोलना पड़ेगा पढ़ने, काम करने, घूमने, इलाज कराने, जो चीज़ के लिए। तो जैसे घूमने और इलाज कराने में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तो आप कहेंगे घूमने आ रहे हैं, तो जांच करेगा एम्बेसी और आपको एक आध घंटे में अप्रूवल दे देगा। तो वीज़ा आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपना पासपोर्ट, पासपोर्ट आपका देश अनुमति देता है कि आप जा सकते हैं, तो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट दिखाइए अपने एयरपोर्ट पर, आपको हिला देगा जहाज से और एयरपोर्ट पर उतर के वीज़ा दिखाइए, आप घूम सकते हैं। वीजा पे लिखा रहता है कितने दिन तक अनुमति है, उतने दिन में आपको वापस आ जाना है, नहीं तो पुलिस पकड़ के फाइन लगा देगी वहां की। तो थाईलैंड में, वियतनाम में या जिन देशों के साथ भारत का संबंध अच्छा है वहां वीजा ऑन अराइवल है, मतलब आप टेंशन मत लीजिए, पासपोर्ट लीजिए, चल दीजिए, वहां उतरिए, काउंटर पे पूछिए वीजा कौन दे रहा है, इसमें एगो वीजा लाओ, तो वीजा ऑन अराइवल, अराइवल के बाद वीजा, तो एगो फॉर्म दे देगा आपको, कहेगा भरते रहिए, लीजिए, भरिए नाम पता है तेन भरिए, फोटो वोटो चिपकाइए, एक घंटा लगा देगा फॉर्म भरते होते, उसके बाद कह देगा जाइए, 2-3 महीने का टूरिस्ट वीजा दे देगा, घूमिए। टूरिस्ट से बहुत फायदा होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है टूरिस्ट से। अगर सोचिए कोई अंग्रेज भारत में आया, उतरते हुए पैसा देना चालू करेगा, एयरपोर्ट से उतरेगा टैक्सी पैसा दिया, होटल में गया पैसा दिया, नाश्ता किया पैसा दिया, खाना खाएगा पैसा देगा, फिर घूमने जाएगा पैसा देगा, वहाँ से कुछ सामान खरीदेगा पैसा देगा, एगो गाइड को रखेगा पैसा देगा, कोई उसी में मांगने आ जाएगा आई एम टू हंग्री प्लीज गिव मी सम फूड, उसको देगा पैसा देगा, मतलब वो टूरिस्ट नहीं है, पैसा का मशीन है। समझ में आ गया कि नहीं, छापते रहो। तो टूरिस्ट का बहुत अच्छे से इज्जत करना चाहिए, वो आपके इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान कर, गोवा के लोग का इनकम होता है टूरिस्टों के बदल, और वो लोग कभी टूरिस्ट के साथ गलत बिहेव नहीं करते, ये गोवा वालों की खासियत है। वो ज्यादा, अब ज्यादा ऐठिएगा तो थूर थार देगा, टूरिस्ट है लिमिट में रहिए, लेकिन बहुत इज्जत से बात करेगा। अब किसी का कम चल रहा है, दो पैसा ज्यादा दो पैसा कम ले ले, बट इज्जत से बात करेगा। आपको रहने के लिए अवेलेबल है वहां पर, आपको बहुत सुविधा दिया है सब गोवा वाला है, आप वहां जाइए और आपको स्कूटी दे देगा सब, एक दिन का 100 रुपया, हाँ पेट्रोल भरवाइए एक दिन का 100 रुपया, आपसे सिक्योरिटी मनी कुछ जमा करा लेगा, कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर लेना, तो यहाँ स्कूटी लेके भाग जाएगा सर, जमा करा लेगा एक दिन का 100 रुपया, सीजन ज़्यादा है तो 200-300 डिमांड के हिसाब से, कितना बेहतरीन है। अब कोई गया उसको रहने के लिए मिल गया, उसको किचन मिल गया खाना बनाने के लिए, स्कूटी मिल गया, पेट्रोल भरवाते रहो जहाँ तहाँ घूमते रहो, समझ आए कि नहीं, बहुत सुविधा दिया। बिहार में आएगा कोनो अंग्रेज आ गया, ओ ओकरा बेचारे को ऐसा पहचान कर देगा, बेचारा भाग जाएगा यहाँ से। और यहाँ हम लोग के पास देखने कौन सी आएगा, हमारे पास इतना बेहतरीन सुविधा गंगा नदी है, टूरिस्ट लोग को बेहतरीन हो जाता, क्या जाता था हमारे यहाँ, गंगा नदी पटना में नहीं है, बेहतरीन गंगा नदी है यहाँ पे, इधर पटना उधर हाजीपुर, एगो बड़ा साइज का पोल इधर गाड़ो, एगो बड़ा साइज का पोल इधर गाड़ो, और बीच में रस्सी लगाओ, और रोपवे जो होता है ना राजगीर में देखते हैं, बस आराम से नदी के ऊपर से आएगा जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट हो जाएगा, नदी के बीच में बढ़िया सा एक तो बेहतरीन यहाँ पर एक स्टैचू लगा सकता है, बेहतरीन ढंग का भीमराव अम्बेडकर साहब का लगा सकते हैं,
महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान भूमि है, महात्मा बुद्ध का लगा सकते हैं, एक से एक है यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम, किसी का भी लगा सकते हैं जो भी महान है। पटना चूंकि अशोक की धरती है, अशोक का लगा सकते, बेहतरीन होगा। उसी के बगल से रोपवे गुजार दो, लोग बैठ के गुजर के देखेगा, बाप रे, स्टेच्यू के ऊपर से रोपवे निकलेगा। टूरिस्ट से बहुत लाभ होगा, वहाँ के लोग जो वहाँ पे झोपड़पट्टी में जिंदगी जी रहे हैं, नदी के किनारे देखिएगा, वो बेचारों को टूरिस्ट से कुछ रोजगार मिल जाएगा। इतना दिमाग मशरूमों के पास है, जहरीला मशरूम है जरूर। इन नेताओं को कौन बुद्धि देगा यहाँ पर, हमसे नहीं जमता है नेताओं का, हमसे सोचता है सब कि सब हम ही उन सबको एकदम अच्छा से, अली कैसे है, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं बताते, ठीक ठाक से हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे नौटंकी नहीं, जहाँ गलती करते हैं बोलियो देते हैं लोग कि सर आपका ये एरिया आपको करना चाहिए यहाँ पर। अरे पब्लिक को क्या मतलब इस सबसे, लास्ट में जाएंगे 10 दिन में दो चार को अच्छा अच्छा बात बोल देंगे, हम हो जाएंगे, हो गया यहाँ पर, नहीं समझ में आया, एक से एक रहता है नेतवा, सब सबसे चिड़ल रहता है। तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा क्या है, इनकम का स्रोत होता है। अब कोई भी देश में कोई भी जगह, उत्तराखंड के लोग देहरादून में देखिएगा ना, करोड़पति हो गए लोग टूरिस्ट से। जाता क्या है टूरिस्ट को, एक अच्छे से इज्जत और सिक्योरिटी, बस खत्म कहानी, ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ आते हैं लोग, नहीं आते हैं लोग, वही जाएंगे आप तो तमिलनाडु में जाएंगे, मुंबई में जाते हैं लोग, वहाँ पर राजस्थान में जाइएगा, एक से एक टूरिस्ट प्लेस है। राजस्थान के लोग भी सही है, खाना पीना ठगने उगने वाला काम मतलब ज़्यादातर इधर है, हम लोग के एरिया में असल में जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या। आगे बढ़े, चलिए, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को, यहाँ म्यांमार समझ में आ गया, थाईलैंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे, कल 9 बजे आप लोगों का ज्योग्राफी मत कितना ज्यादा आज की है सर, तो जैसे बोल रहे कि अपने क्लास फेलो को बना दिए बेलारूस का राष्ट्रपति, ऐसा दोस्त होना चाहिए, देश दे रहा है, देश ही दे रहा है, काफी मजेदार वीडियो थी यार। और हाँ। और ये जो युद्ध का इस बार तरीका इन लोगों ने अपनाया है कि जैसे सर नहीं कह रहे थे कि क्या मतलब घास काट के पुतिन वहाँ पे गेहूं लगाएंगे, उनका जो मतलब प्लान था कि उसको 50 साल पीछे धकेलना, लगभग 100 साल तक उसको पीछे धकेल दिए, वहाँ का जो भी रिसोर्सेज वगैरह था उसको वो कब्जा कर लिए ऑलरेडी, जहाँ पे मिनरल्स वगैरह लौह इस्पात वगैरह जितनी भी ये सब चीजें थी, खनिज लवण ये सब जो थी सबको लगभग वो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।